सोना बनाने वाली ऐसी किताब जिसके बारे में जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। सोना एक ऐसी धातु है जिसे शायद ही कोई ना पसंद करता हो। हमारे घर की महिलाएं सबसे ज्यादा सोने से ही आकर्षित होती हैं। सोचिए क्या हो अगर आपको सोने बनाने वाली विधि के बारे में पता चल जाए, तब क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि भला सोना बनाने की भी कोई विधि होती है, ये तो खदानों से निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को जानकर ये आश्चर्य होगा कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों में सोना बनाने की विधि दी गई है। यही कारण है कि भारत को कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको हैरानी होगी कि जिस समय भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, उस समय हमारे देश में सोने की ज्यादा खदाने नहीं थी और ना ही ज्यादा सोने के स्रोत थे। फिर हमारे देश में इतना सोना कहाँ से आया? कौन सा तरीका यूज करके सोने का निर्माण किया गया? आज हम आपको ऐसी ही कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको यहाँ के अलावा कहीं और नहीं मिलेगी। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों द्वारा सोने को बनाने की विधि विकसित की गई थी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। इसी वजह से प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। पहले जो बच्चे गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, उन्हें सोना बनाना सिखाया जाता था। लेकिन 1200 वर्षों तक देश में होने वाली विदेशी आक्रमण ने सब कुछ खत्म कर दिया। आक्रमणकारियों ने हमारे देश को बहुत लूटा और यहाँ के ज्ञान विज्ञान के केंद्र और शिक्षा स्थलों को नष्ट भी कर। ऋग्वेद के साथ साथ कई प्राचीन ग्रंथों में सोना बनाने की विधि दी गई है। इतना ही नहीं, राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने ऋग्वेदीय उपनिषद की सूक्त में स्वर्ण बनाने की विधि बताई है। श्री सूक्त के सभी मंत्र और उसके प्रयोग गुप्त और सांकेतिक भाषा में है, जिन्हें समझना बहुत कठिन। 10वीं सदी में गुजरात के सोमनाथ के निकट नागार्जुन नामक एक वैद्य थे और ऐसा माना जाता है कि वो रोज 100 किलो सोना बनाते थे। है ना हैरानी वाली बात? उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम रस रत्नाकर था, जिसमें सोना बनाने की विधि का वर्णन दिया गया है। नागार्जुन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय भारत में गणित भौतिकी और खगोल विज्ञान ना के बराबर था। लेकिन नागार्जुन की वजह से भारत रसायन शास्त्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व करता था। भारतीय रसायन शास्त्र के प्रूफ नागार्जुन द्वारा रचित ग्रंथों से मिलते हैं। उन्होंने अपनी किताब रस रत्नाकर में धातुओं को सोने में बदलने की विधि का वर्णन किया है। नागार्जुन ने पारे पर बहुत प्रयोग किए, साथ ही उन्होंने विभिन्न धातुओं को सोने या चांदी में बदलने की विधि भी अपनी इस किताब में बताई है। जैसा कि हमने पहले बताया कि विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ आकर सभी मूल ग्रंथ नष्ट कर दिए और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था कितनी खराब कर दी कि इन लोगों के बाद कोई भी ऐसा विद्वान नहीं हुआ जो इस तरह के प्रयोग कर पाए। इसीलिए आज के समय पर सोना केवल सोने की खानों में ही देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसी विद्या अब किसी के पास भी नहीं है जिसका यूज करके वो सोना बना सके। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी प्राचीन ग्रंथों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। दोस्तों, इस वीडियो की सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है। हमने अपने आप से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।